अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हो फैसल ऑफिशियल, तो आज हम जा रहे हैं नगर की खूबसूरत वादी गप्पे वैली। तो हमारे साथ ये आगे हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हो हम जा रहे हैं। तो हमारे साथ है ये फैसल, ये देख सकते हो इसका मुंह, और ये आसिफ देख ली है, ये देख ये भी हमारे साथ है। तो हम जा रहे हैं आगे गप्पे वैली की तरफ। तो रोड बहुत खराब है, दूसरी गाड़ियां यहाँ नहीं चलती, इस वजह से हम आए हैं जीप में। तो आप देख सकते हैं हम कितने झटके खा रहे हैं, इसका मुंह भी देखो। निकल पड़े हैं गप्पे वैली की तरफ, हम गप्पे वैली पहुंच गए हैं। तो इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। तो टमाटर नहीं है, टमाटर टमाटर नहीं लेके आया हूँ, चलो टमाटर से क्या करना है। बगैर सकते हो इसको, ये देख इसका मुंह देख, इसका नाम है उल्फत। ओए ओए ओए, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहन लो रहन लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। ये आसिफ हुसैन, आगे दिखाता हूँ, ये हमारा उस्ताद केसर हुसैन, देख सकते हो गाइस ये फूल है, इतने खूबसूरत नज़ारे ये देख सकते हो आप। तो हम आ गए आ रहे हैं हमारे सारे में आपको वो गप्पे वैली, हम उधर हमने गाड़ी खड़ी की है। तो आगे हम जा रहे हैं, अभी वो ऊपर जाने हैं हमें, देख सकते हो पीछे होटल है। कैसे यार, बोलो कुछ। मजा आ रहा है यार, एक घंटे से आ रहे हैं ना रास्ते में, इस टाइम तो अभी पहुंचे इलाके में गप्पे वैली में, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा, और यहाँ छोटे से आए कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए। क्या बोला दोबारा, यहाँ पे आए कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए, अभी यहाँ पे बैठेंगे चाय पियेंगे, चलो देखते हैं अंदर, खाएंगे पियेंगे, चलो चले आ जाए। जबरदस्त है ये, देख सकते हो आप लगे मत देसी घर, यहाँ पे लकड़ी वगैरह सारा कुछ मिलती है, अंगीठी और ये मंतु बनाने की, ये देख चाहिए हमारे पास, ये देख सकते हो। चलो यार इधर चरवाहे अपने बकरियां वगैरह रखते हैं इसमें, तो आओ हम इनसे पूछते हैं। तो इधर पहुंच के इनको कैसा लगा? हाँ आसिफ हुसैन बताओ, इधर पहुंच के आपको कैसा लगा? रिहायशी हैं, बेसिकली यहीं के हैं। तो हमारे भाई फैसल भाई यहाँ आए हैं, इनसे पूछें ज़रा, इनसे इंटरव्यू लें, चलो इनसे पूछते हैं। तो यार हम फर्स्ट टाइम आए, तो कुछ नहीं है मेरा, क्या बात करते हैं, दाओ बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो बात हाँ बताओ, मुंह देख, मुंह हाँ बताओ, अभी हंसना नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए, तो यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुली जोर से बोलो, खुली जगह है। तो हम आज जो इससे पूछते हैं, हाँ भाई बता, कैसे हो भाई, खैरियत से? मैं तो ठीक, आपके साथ ही आया हूँ यार। यहाँ पे आज गिलगित बल्तिस्तान के साइड सियाही मकाम है ना, बहुत ही खूबसूरत मकाम है, जिसका नाम सुना होगा अक्सर दुनिया वालों ने, गप्पे वैली। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, और यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आ चाहे, लेकिन मौसम ऐसा है कि मज़े का मौसम नहीं है, बहुत ही ख़राब मौसम है। बहरहाल इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे आगे, तकरीबन एक घंटे का रास्ता है,
बहुत ही खूबसूरत है मकाम है, जगह भी है वहाँ पे, देखेंगे वहाँ बर्फ होगा, दुनिया को भी दिखाएंगे यहाँ ग्लेशियर है वहाँ पे। तो फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप दुनिया भर में फैलाइए शेयर करिए, ताकि वहाँ से जो सियाह वगैरह आएंगे वो आके यहाँ पे एंजॉय करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी क्या सर भाई से पूछते हैं बता। हाँ हम क्या पतुलांग थे ना ये। ओ सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे। हाँ बताओ के सर भाई। हाँ हम क्या बताएंगे, हमारा गपावेली बहुत खूबसूरत है, जो आए हैं वो बहुत खुश हो के गए। आज से पहले हम टूरिस्ट मोरिस्ट लेके इधर आते हैं ना, ज्यादा हम ही लेके आते हैं। हाँ, तो आप ऐसा करो ना, आप अपना नंबर भी दे दो, टूरिस्ट आएंगे इधर आपके साथ आना चाहेंगे, हम तो आपके साथ आए, बहुत मजा आया, तो आप अपना फोन नंबर दे दो, आपके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। नंबर आप ले सकते हो सर, मेरा नंबर 03558489 39, हमारा नंबर है, ठीक है। हमारे पास दो विलिस जीप है, हमारे से राबिता कर सकते हैं। हाँ हम तो इसके साथ आए, बहुत मजा आया, ठीक है। आप भी आके इसके साथ राबिता कर सकते हो, इसके साथ आ सकते हो गपा वैली में। ओ गाइस आज ये हमारा दूसरा दिन है, हमने पहला दिन उधर स्टे किया था, तो आज हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, आज तो हमने कंबल शंबल सब कुछ लेके आए। ये पीछे फैसल, ये देख सकते हो, हमने पूरा सिस्टम लेके आए, तो आगे जाना है। अभी बहुत सर्दी है, तो आगे जाके हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो कितनी प्यारी जगह, कल भी हम स्टे करेंगे, परसों उधर से निकलेंगे। इसका मुंह देखो, या मेरे अल्लाह, देखिए यार बैठो यार फिर सर, ये देखिए कैसा लग रहा है अब। बहुत थक गया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। दो घंटा हम चल रहे हैं मुसलसल उधर से, अभी तक हमने पहुंच गए इधर, तो बारिश भी आ रही है हल्की सी, देखते हैं आगे जाके। अभी दो तीन घंटा और चल रहे हैं, तो आगे जाके हम आपको दिखाएंगे। उधर ग्लेशियर है, ठीक है, उसके लिए जा रहे हैं हम आपको ग्लेशियर के ऊपर जाके हम पूरा व्यू दिखाएंगे। जल्दी जल्दी चलो ना, कितना खूबसूरत व्यू है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो नीचे, तुम्हें देखते ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। सच बोलो वरना मैं हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा, फिर सारी खुफिया बातें तुम्हारे अंदर से निकालूंगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। मजा आ रहा है, बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट वी आर रेडी माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाउड, इट्स अ ट्रेडिंग। बहुत ही मजेदार ट्रेडिंग थी और बहुत ही ऊंची ट्रेडिंग थी, लेकिन बट बहुत ही मजे से, बहुत ही मुश्किल से ना, शायद सतपारा भी इतना नहीं चला होगा। हाँ सतपारा वो तो बर्फ पे चला होगा ना, हम इतनी ट्रेडिंग की उतनी ऊंचाई पे चले हैं, बहुत मजे की है। अभी आगे देखते हैं, आगे इतना खूबसूरत। दुनिया में जितने भी ट्रेडिंग वाले हैं जो चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ईयर ट्रेडिंग में आ जाएं गपा वैली में, और खूब मजे करें, खूब एंजॉय करें। थैंक यू। ये देख सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ ही, हम ऊपर पहुँच गए, तो अभी इधर से आगे की तरफ जाना है सीधा, तो अभी दो घंटे का और रास्ता होगा शायद, इधर पहुंच के फिर आप हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, हमारे साथ रहे। कितनी खूबसूरत है यार, देख सकते हो आप, फैसल मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, है? क्या बर्फ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। स्वागत, हम नगेर गपा वैली की सबसे ऊंची पहाड़ हमने तय किया है, तो इधर आके हमने देखा, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये अल्लाह की नियामत है। इससे दो इलाकों में क्या करते हैं, घी होता है जो देसी घी, उसको हम इकट्ठा करके बांध के साल दो साल तक भी रख सकते हैं, ठीक है, हिफाजत में, ये ख़राब नहीं होता है इससे। इसको बोलते हैं हम गिलगिती जबान में, इसको बोलते हैं जूट। गाइस इधर हम पहुंच गए, दो देखो इधर बर्फ, वाओ ये कौन सा महीना फैसल, ये आई थिंक अप्रैल, अप्रैल डेट 3-4 डेट 4 अप्रैल, बर्फ देख,
ईद उल फितर का दूसरा दिन है। थोड़ा मुझे भी खिलाओ मैडम। ये रहो, मजा है यार। ये भी खाओ। ये कौन सा सीन है यार। ओ सर्दी देख सकते हो, बर्फ। वाह जी वाह, कितने खूबसूरत नज़ारे। किस किस को आना है कमेंट में बताओ। वो देखो, हाँ बोल, मुझे क्यों मार रहे हो, कुछ बोलना है बोल, नहीं तो चल। गाइस देख सकते हो, हम इधर पहुँच गए अभी, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, बस जहाँ हम पहुँचना चाहते थे वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ हम स्टे करेंगे आज। तो चलिए आगे का नजर आप हमको दिखाते हैं। बहुत थक गए इतना भी, इधर हम स्टे करेंगे आगे। आज का दिन हम इधर ही गुजारेंगे, उसके बाद ये आगे बर्फ देख सकते हो आप, उससे हम जाएंगे आगे नीचे की तरफ। दो दिन हमें हमारे उधर लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह पाँच छः दिन हम घर पहुँच जाएंगे। तो आगे दिखाते हैं आपको, आइए हमारे साथ। यार हम थोड़ा शूटिंग कर लेंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद वीडियो तस्वीर वगैरह बनाएंगे, उसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे जाके हम स्टे करेंगे। देख सकते हो गाइस, हमने आग जलाया इधर। दरवाजा खोलो यार, अंधेरा हो रहा है। तो इसको लगाओ, एलईडी लगा। ये देखो, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये देख बारिश भी हो रही है, हल्की सी बर्फबारी भी हो रही है। सुबह में इधर से निकलेंगे, आज हम इधर स्टे करेंगे। तो बाहर से हम समझो आज का दिन हम इधर रहने वाले। अंदर यार बहुत सर्दी भी है और ये बारिश भी है। ये आग हमने तो जलाया आग, और ये हमारा राशन है। गाइस इधर का पानी देख सकते हो कितना साफ है, करीब आगे दिखा। देख चश्मे का पानी है ये, मेरा चश्मा यहाँ से ऊपर बह रहा है, नीचे बह रहा है। मैंने सफाई किया इसके, वो पानी ले जाएंगे अभी उधर, खाना बनाने के लिए पानी ले जाएंगे। खाना बनाना तो थोड़ा पीना पड़ेगा ना इधर। ये देखो पानी लेके आ रहा है। तो कल हमने उधर पीछे स्टे किया था, पीछे दिख रही है आपको, तो आप देख सकते हो। अभी हम इधर आग जला रहे हैं, दिखाओ यार। अभी इधर हम इंजॉय करेंगे, थोड़ा गर्म हो जाएंगे, फिर आगे निकलेंगे गप्पा वैली की तरफ। ये व्यू दिखाओ यार, ऐसा लग रहा हूँ मैं, इधर आओ तो पता चलेगा। ये आप आगे देख सकते हैं, स्नो फॉलिंग हो रही है इस टाइम भी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए इधर, आप देख सकते हो उधर बर्फ। तो हम उधर जाएंगे आपको, हम शिकीश करके भी दिखाएंगे बर्फ के ऊपर अभी जाएंगे, तो आ जाओ हमारे साथ अभी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए बर्फ के ऊपर, ये देख सकते हो। अभी हम इधर से नीचे शिकीश करने वाले हैं नीचे की तरफ, आ जाओ हम आपको दिखाते हैं। Oh, oh, oh.
खाना बनाने के लिए रोटियां बनाने के लिए देखो। और अभी इधर खाना बनाने की आग जला रहे हैं, आँखें नहीं लग रहा है क्या जलाएंगे। अभी हम लाइट जलाने के लिए इधर कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जल रही, लेकिन ये खराब है। देख सकते हो गाइस, ये हमने कढ़ाई के लिए देख सकते हो, और इधर प्याज, और ये इसको क्या बोलते हैं यार, बीट कढ़ाई, ये प्याज खाते हैं हमारा। इधर देख ले जरा, ये हमारा कुक है, स्पेशल लाया है इसको बल्दिस्तान से कुकिंग के लिए। अभी इधर टमाटर, हमारा कारी नमाज पढ़ रहा है। सही है, बाहर में फलट था तो फलट क्या हमने बनाया, रोटी ठीक है, फैसल बना रहा है इसका मुंह दे। तो बातें क्यों कर रहा है गाइस, में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो इस वजह से जाने आए। कितना खूबसूरत है, चलो फलक थे इमरान टगला पाए देख, वो दी कोरारी था रुक गनीश ना फलक थे क्या ये रोटी बना रहे हैं बेचारा इसके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक जवान रोटी बना रहा है और एक पका रहा है, और को यार ऐसी की तैसी कर रहा है कि खा रहा पी रहा है दस, और एक तनुष लेके कुछ कर रहा है वो। ये देखिए ये और मैं यार आराम से इधर देख रहा हूं नतीजे दे बस बनबूटो सुनो कि दे दीजा और शायद को तो दिया मेहनत तो कम अपनी दोबारा समझ ले कौन ला जाने ठीक से पेड़े बना रहा है। जी हां, मैं ठीक है मिस्सा नहीं दंदा बस ने जो को ऐसे हुआ आज सुबह ने एक खाओ फोन ठीक से। फाइनली गाइस रोटी बन गई है, और ये देखो कढ़ाई बनाया आसिफ हुसैन ने, ये देखो खाओ। हाय गाइस, तो अभी हम उठे हैं सुबह के 5 बज गई है शायद, हाँ 5 बज गई है, तो अभी नाश्ता कर लेंगे। आज हमने इधर स्टे किया था और सुबह हम इधर अभी नाश्ता करके निकलेंगे इधर से। चाय बना रहा है ये हमारा उल्फत भाई। हाय, कैसे हैं, खैरियत से? चाय बना रहा हूँ इनके लिए, मैं अभी उठे शाबाश नाश्ते के लिए, जल्दी से तैयार हो जाए। आप तो सलाब भी उठे नाश्ता बना रहे हैं ना, अभी तक तो ये लोग नहीं उठे, उनके भी उठाएंगे। फाइनली गाइस, आज का आज दूसरा दिन है ईद का, तो अन स्टे यहाँ किया था, तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी, खैर यहाँ पे मज़ा आया, तो मैं यहाँ भी हम यहाँ नाश्ता करके हम यहाँ से निकलेंगे नीचे अपने घर। अगर जो गप्पा वैली आना चाहता है तो हमारे साथ रबता करें, हम इसको लेके आएंगे इधर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अल्लाह हाफिज़।